कल भी आना पड़ेगा। हाँ कल तो ऐसी फीलिंग होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे होगा, फिर भी आना ही पड़ेगा। हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, केम छो मज्जा मा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दुकान से, तो ये दोनों मुझे घूर के देख रहे हैं जब मैं व्लॉग बना रही है। तो और मीनूका ने मुझे अभी बोला ये जो काला टीका है ना मेरे सिर से भी भरा है, देखो गाइस इसने ओवर एक्टिंग बात कर दिया है ना, बताओ 50 बात का तो इसको क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारा ये टीका हाँ बहुत बड़ा हो गया तो किसी का नजर ना लगे इसलिए मैंने लगाया है। फिर से करो अगर ये अकेला काला टीका नहीं लगा देना सब लोग मुझे नजर लगा देती है, फिर मेरा पिंपल ज्यादा आ जाती है। अच्छा चलो, सो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ, रील्स बना नहीं पाती हूँ। सब कर लो इधर भी, नहीं एक ही कर लूंगी बस, तुम भी तो किया हुआ है यहाँ पर। जी नहीं, ये तत्व है, असली तत्व बना नहीं पाती, असली तत्व बना बोलती तो दर्द होता है क्या ममता, दर्द होता है क्या ममता, मुझे भी एक तत्व बनाना है यार। मम्मी से पहले परमिशन मांगूंगी, उसके बाद मैं जाके बनाऊंगी। वैसे पहले भी नहीं मांगा था, बस ऐसे छुपाते कितना साल हो गया है। तो दोस्तों मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आज से है ना, क्योंकि मैं मोती हो गई हूँ। सब लोगों ने मुझे बोला कि तुम मोती हो गई है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही हो गई है, मेरा पेट बाहर आ रहा है। देखो सब लोग ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारा पेट भी बाहर आ रहा है, तो मैंने सोचा आज से मैं शुगर, चॉकलेट और जो भी मीठा है वो कम खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और मैं सिक्स पैक बनाऊंगी। मम्मी भी जाएंगे मेरे साथ, सो मम्मी के आगे तो मैं ऐसे कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, फिर भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं पेट दर्द होंगी मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी मुझे बोलेंगी तुमने आज बहुत ज़्यादा जिम खेल लिया होगा इसलिए तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मम्मी को मैं कुछ और जगह में मम्मी को बोलूँगी, मम्मी आप यहाँ पर देख के एक्सरसाइज करना, तो मम्मी एक्सरसाइज कर लेंगे, मैं और सिक्स पैक बनाऊँगी। कल से मैं सिक्स पैक पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी, मैं सिक्स पैक बनाऊँगी, क्योंकि मेरा पेट जो है, ये इसने भी मुझे बोला, ये लड़की ने भी मुझे बोला कि तुम्हारा पेट बाहर आ रही है, मोती हो गई है और तुम्हारा बहुत ज़्यादा बलचीस हो गया है। देखो ऐसे बोल रखा है, तवचीस के लिए तो कोई नहीं, मैं मतलब अभी आज से मैं ऐसे नहीं फ़ोन देखूंगी, फ़ोन को ऐसे सामने रखूंगी, ऐसे रखे ऐसे करके मैं देखूंगी, तो देखो मेरा जॉन आए हो ही जाएंगे। सो यस, मीनूका को भी, मीनूका आज से मुझे ज़्यादा उन्माद देना, ठीक है, मीठा। और देखो सोनिया ने भी मुझे बोला, उसका कॉल आया है, मीनूका फिर से मुझे दुकान लेके जा रही है, लिफ्ट बंद हो गया है इसलिए सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। क्यों जा रहे हैं ये भी बता देती हूँ, भगवान की फोटो उसने गिरा दिया था तो उसने उठाया नहीं, उसने सोचा काउंटर पे ही गिरा दिया था, ऐसे नहीं कि ज़मीन पे गिरा दिया, तो उसने सोचा कर ही मैं उठा लूँगी, फिर पता नहीं इसका माइंड क्या हो गया है, फिर उसने बोला नहीं मेरे दिल में है ना ख़राब जैसी फीलिंग हो रखी है, इसलिए मैं अभी जाके उस फोटो को उठाना चाहती हूँ। ज़मीन पर गिरा तो नहीं ना, काउंटर में गिरा था ना, दिल बेचैनी से हो रखी है। कहाँ पे गिरा है? ओहो यहाँ पे कितना कॉकरोच है हमका, देखो हम लोग जाते ही इतना ज्यादा कॉकरोच आ गया हमका। ओह देखो कितना कॉकरोच है, कहाँ है भगवान की फोटो? इधर रखा था मुझे लगता है, इधर गिर गया, इधर अंदर गिर गया, इसलिए फिर से आ गए। ओह माय गॉड, मुझे लगा काउंटर के ऊपर यहाँ पर रखा था ना फोटो को, माई थिंक इससे यहाँ गिर गया होगा, इसने तो अंदर ही गिरा दिया है। हाँ ओ वहाँ पर है देखो भगवान की फोटो, तो फाइनली इसने उठा दिया। कौन सी भगवान है? हाँ लक्ष्मी माता, कालिका माता, नीचे गिरा दिया। हाँ ऐसे रखो, ऊपर भी तो है ना भगवान, ऊपर में भी तो है ना, नहीं इधर काउंटर का है। अच्छा काउंटर में भी एक भगवान होना चाहिए। Okay. एक कदम आगे बढ़ रहा है तो उसको ऐसे दिल खराब रखा है कि उसने भगवान की फोटो को नीचे गुरा दिया, पर इसने सोचा कल ही उठा दूं, पर उसका दिल नहीं माना इसलिए वो वापस आई, बस यही है कहानी। ये ऐसे ही है, जब वो वहां पर घर पहुंचने वाली होती है ना
तभी इसको याद आती है उसने है ना जो चार्जर को है ना वो क्या बोलते हैं निकाला या नहीं निकाला है दुकान से। फिर ना वहां से वापस आती है चार्जर आके चेक करती है उसने चार्जर निकाल दिया या नहीं निकाला है ऐसे और कभी कभी गेट आके चेक करती है घर पहुंचने के बाद वो भी ममता मैंने सच में अच्छे से लॉक तो कर दिया है ना सोनिया की और शिव की भाई की संतोष शिव के भाई का नाम जो है वो है संतोष संतोष की और ये है मेरी मेरी तो मैं रख देती हूँ और ये है मीनका की वाइट वाइट सबका वाइट और ये है हमारा कुकर और ये है संतोष हेलो कर दे संतोष ध्यान से करो अच्छे से करो हेलो नमस्ते नमस्ते जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा केम छो मच्छामा मच्छामा गाइस ये बताओ ऐसे ऊपर करना तुम्हारा फेस ये और ये कौन ज्यादा हैंडसम है देखो ये और ये कौन ज्यादा हैंडसम है बताओ बताओ कौन ज्यादा हैंडसम है इसको तकले मत बोलो हाँ अब बाल आ गया ठीक है वो है सोनिया ये सोनिया दीदा देख रहा है ये और ये कौन ज्यादा सुंदर है मैं ठीक है मैं और ये मत बताओ ये और मैं कौन सुंदर है ओके ये भी बता देना मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया है अभी हम लोग खाएंगे खाना यहाँ पर मम्मी लोग के साथ बैठ के खाऊंगी मैं भी मम्मी ने बोला एसी ऑन करो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है मम्मी क्योंकि मम्मी किचन में बहुत ज़्यादा कुक कर रही थी ना इसलिए मम्मी और कल मैं जाने वाले हैं जिम यू रेडी 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 टू गो ओके पहले आपके वही चेक करेंगे ना कितना है उसके बाद ही हम लोग जिम खेलेंगे मम्मी कितना खुद को वही कटा पाएंगे कम कर पाएंगे ओके सो अभी तो मैंने फेस वॉश कर लिया है अभी बज चुका है 11 बजे तो अभी मैं सोने जा रही हूँ गाइस आप लोगों को मैं मिलती हूँ सुबह गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू द अनदर डे तो ये रहा हमारा दल्लू जा रही है आज जिम पे जब मैं उठा रही थी तो नहीं उतना जाती थी ऐसे कर रही थी तो मैंने ज़बरदस्ती उठा के लेके आई मम्मी को मम्मी भी जा रही है मेरे साथ जिम पे स्लो हो गया ज़रा स्लो हो गया ठीक है सिक्स पे कर देती हूँ ठीक है अभी इसको मत छोड़ देना वरना गिर जाएंगे देखो ज़्यादा हो गया है तो आप 2 कर देना या 4 कर देना है ना अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से घर मम्मी देखो देखो कितनी लाल लाल हो गई है टमाटर जैसी अच्छा लगा आपको जिम आके थक गई अच्छा लगा अच्छे लगा कल भी आना पड़ेगा कल तो ऐसी फीलिंग होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ऐसे होगा फिर भी आना ही पड़ेगा वरना तो आप ऐसे मतलब आ नहीं पाएंगे ऐसे दर्द हो गया वैसे अगर आप करेंगे तो है ना गाइस चलो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ अच्छा लगा है तो लाइक कर देना शेयर कर देना जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कीप सपोर्टिंग कीप लविंग थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय